नमस्कार किसान दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी किसान दोस्तों का। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो भी बच्चे 3 महीने से 6 महीने की उम्र में है तो उनकी कैसे कैसे देख रेख करी जाए, है ना, क्या क्या चीज़ें हमको इस एज पर करनी होती है, जैसे टीकाकरण से संबंधित, डिवॉर्मिंग से संबंधित, में हम कैसे फीडिंग की व्यवस्था करें, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे खिलाएँ, है ना। अगर दाना देना शुरू कर रहे हैं तो दाने को किस तरीके से दिया जाए ताकि हम इसको, है ना, बचा सके, इसको उसके साइड इफेक्ट से बचा सके। तो इस वीडियो में मैं आज इसी के बारे में बात करने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इन फ्यूचर में जब भी बकरी पालन संबंधित वीडियो लेकर आऊं वो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं इसमें जो आपको इस एज पे पाए जाने वाले, चाहे बकरी हो चाहे बकरे हो, वो आपके फार्म पर हैं तो वो आपको यहाँ पर अपने यहाँ पर भी लागू करना है। जो भी किसान भाई नया बकरी फार्म खोलना चाहते हैं या बकरी पालन कर रहे हैं उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कर लेता हूँ कि जैसे 3 से 4 महीने के उम्र के जो बच्चे होते हैं वो अभी शुरू ही किया होता है उन्होंने खाना, कहा जाए तो पूर्णतः खाने के ऊपर अब वो निर्भर हो जाते हैं, अपने ऊपर निर्भर रहते हैं। माँ का दूध उन्होंने छोड़ा होता है, अब वो बाहर से खाने वाले जो भी हम फीड देने वाले हैं वो उस पर निर्भर रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इनमें जो भी बीमारियाँ आने वाली हैं, जो भी वायरल रूप से फैलने वाली बीमारियां हैं, सबसे पहले हमको उससे बचाने के लिए जो भी टीकाकरण होता है वो हमको एक शेड्यूल तैयार करना है और उन सभी टीकाकरण को इसी एज में क्या करना होता है, देना होता है। जैसे वायरल रूप से फैलने वाली बीमारियां हो जाती, PPR हो गया, ET हो गया, FMD हो गया, एंथ्रैक्स हो गया, ये जो बीमारियाँ हैं ये क्या करती हैं, अब वायरल रूप से फैलती हैं। तो इस एज पे ही टीकाकरण हम क्या कर सकते हैं, बकरों पर शुरू कर सकते हैं या बकरियों पर शुरू कर सकते हैं टीकाकरण। जैसे देना है PPR दे सकते हैं आप, है ना, PPR हो गया, ET हो गया, FMD हो गया, है ना, एंथ्रेक्स हो गया, इन सारे टीकाकरण को आप इस एज पे दीजिए। एक टीकाकरण देने के बाद कम से कम 24 घंटे से 48 घंटे के बाद आप क्या कर सकते हैं, दूसरा टीकाकरण इस एज पे दे सकते हैं। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये वायरल रूप से फैलने वाली बीमारियों से बचाते हैं। अब बात करते हैं जो भी ये चीज़ खाने वाले हैं, है ना, जो भी चीज़ें ये खाने वाले हैं उसमें से जो होने वाली समस्याएं हैं, जैसे कि अभी तक इन लोग माँ के दूध पर निर्भर थे, थोड़ा बहुत ही खा रहे थे, अब ये 3 महीने की उम्र में आ गए हैं और ज़्यादातर अपने ऊपर ही निर्भर हैं। जो हम खाने के रूप में दे रहे हैं, चाहे वो हरी घास हो गई, सूखी घास हो गई, इससे जो भी पैरासाइट्स इनके पेट के अंदर जाने वाले हैं और जो भी उनको नुकसान होने वाला है उन पैरासाइट से, उसके लिए हमको डिवॉर्मिंग करनी होती है। तो 3 महीने का जो टाइम होता है, 3 से 4 महीने का एक सुटेबल टाइम होता है डिवॉर्मिंग करने के लिए। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने यहाँ पर बकरों की डिवॉर्मिंग नहीं करी है और आपके यहाँ पर 3 महीने के लगभग बकरे हो रहे हैं, 3 महीने से 4 महीने की एज के हैं, तो आप डिवॉर्मिंग जरूर करें। डिवॉर्मिंग करने से इनके अंदर जो पेट में पाए जाने वाले पैरासाइट्स हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। डिवॉर्मिंग जब करेंगे आप तो इसमें कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे, उससे आपको परेशान नहीं होना है। जैसे कि आप डिवॉर्मिंग की दवाई देनी है, देते हैं, डिवॉर्मिंग करते हैं, तो इस टाइम पर आपको 1 से 2 दिन के लिए मैक्सिमम क्या हो सकता है, लूज मोशन देखने मिल सकते हैं। तो उस टाइम पर जो आप इन्हें खाना दे रहे थे उसे बदल कर हल्का फुल्का खाना देना है, जैसे चने का हो गया, राहर का छिलका हो गया या इसी की भूसी हो गई, जो आप हल्के रूप में इनको, है ना, लूज मोशन के दौरान क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया होती है ना, ईजिली डाइजेस्ट की जा सकती है, ईजिली डाइजेस्ट हो जाती है। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गई पेट के अंदर के कीड़ों मारने वाली बात, अब बात करते हैं जो इनके शरीर पे बाहर कीड़े पाए जाते हैं, जो बाहर पैरासाइट्स पाए जाते हैं, जैसे किलनी हो गया, है ना, जू हो गया, इससे भी क्या हो जाता है, बहुत बारी ऐसा होता है कि जो हमारे बच्चे होते हैं या हमारे बकरियों के बच्चे जो होते हैं इनकी ग्रोथ जो होती है इससे भी रुक जाती है। क्योंकि हमको जो तैयारी करनी है किसान दोस्तों, इन्हीं बच्चों के ऊपर जब हम मेहनत करेंगे तो जब ये लॉट हमारे पास 1 साल बाद तैयार होकर निकलेगा तो इसमें ग्रोथ अच्छी मिलेगी और उस ग्रोथ के कारण ही हमको इनका मार्केट प्राइस भी अच्छा मिलेगा। तो मेरा सजेशन है सभी किसान दोस्तों के लिए, तो इस एज पर जरूर और जरूर बकरों का या बकरियों का विशेष तौर पर ख्याल रखें।
तो इस जो बाहर जो परजीवी पाए जाते हैं उनको नष्ट करने के लिए आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय से या कोई भी अपने यहाँ पर आपका मेडिकल स्टोर होगा, वेटनरी मेडिकल स्टोर होता है, वहाँ से दवाइयाँ ले सकते हैं, इनको लगाइए, है ना। और अगर आपको ऐसा लगता है, शिकायत है कि भाई जूं ज़्यादा है या किलनी ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इनके बालों को भी सेज पर हटा सकते हैं। बाल ऐसे भी ठंड है तो ठंड में तो नहीं, गर्मियों के टाइम पर आप इजिली क्या करिए, इनके बालों को हटा दीजिए, तो इससे हवा जो लगती है वो इनके शरीर पर प्रॉपरली लगती है, पूरे में लगती है, तो इनकी ग्रोथ जो होती है वो बढ़िया होती है। अब बात कर लेते हैं इनकी फीड के ऊपर कि भाई हमें खाने पर क्या क्या देना है, कब कब कैसे कैसे देना है, क्योंकि जो बकरों की ग्रोथ है वो इनके फीड पर ही निर्भर करती है। आप ये बच्चे जो हैं वो खाना शुरू कर दिया है तो आप इन्हें हरी घास में क्या क्या दे सकते हैं, तो हरी घास में हो गया बरसीम, SSG, चरी, है ना, या अगर मक्का है आपको हरा वाला मिल जाए, मक्के का पेड़ जो पेड़ होता है वो मिल जाए, है ना, या बाजरा मिल जाए, तो ये आप हरी घास के रूप में दे सकते हैं इन्हें। सूखी घास में आप क्या कर सकते हैं, चने का, मसूर का, राहर का भूसा दे सकते हैं, या आपके पास ये उपलब्ध नहीं है तो गेहूं के भूसे को भी आप क्या कर सकते हैं, खिला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान दोस्त हैं जो गेहूं के भूसे पर भी क्या है बकरी पालन कर रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से बकरी पालन कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी जगह ईजिली अवेलेबल हो जाता है। बस ये बशर्ते ये होता है कि आपको इसको देने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि बहुत सारे किसान दोस्त जो लोग होते हैं वो केवल सूखी घास पर ही निर्भर करते हैं, तो इसको आप बराबर पानी के साथ मिक्स करके, हल्के पानी से मिक्स करके सानी भूसे के साथ दीजिए, सानी बनाकर दीजिए इसको, है ना, चुनी चोकर के साथ मिक्स करके आप इसे दीजिए, बढ़िया खाते हैं। इसमें दाने की मात्रा जो है नॉर्मली आप बढ़ा सकते हैं। एक डाइट बना लीजिए, तैयार करिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया, और भी वीडियोस जो हैं वो फीड से संबंधित वो आपको आई बटन पर देखने मिल जाएंगे कि अब इस एज पे बकरों को कितना देना है। तो डेढ़ से मतलब 1 से 1.5 kg जो है वो हरी घास और सूखी घास का मिक्सचर देना है, और दाने की मात्रा जो आपको देनी है वो 200 ग्राम तक की देनी है। और जैसे जैसे ये आपके यहाँ पर बकरे जो हैं एज से बढ़ते चले जाएँ तो दाने की मात्रा जो है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाएँ। अब जब दाना आप दे रहे हैं तो दाना देने पर क्या होता है, इस एज पे बकरे जो होते हैं वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एकदम से वो खा लेते हैं, या एकदम से खा लेते हैं दाने, दाने की मात्रा खा ली, ज़्यादा खा ली, तो ये भी आपको क्या करना है, नियमित रूप से दिन में 3 बार देना है। जो 200 ग्राम की मात्रा है उसको भी दिन में 3 बार देना है, मतलब सुबह दिया आपने, दोपहर में दिया आपने, फिर शाम में दिया, तो इससे ये हो जाता है कि जो दाना आप दे रहे हैं वो प्रॉपर ईजिली क्या होते हैं, धीरे धीरे खाते हैं तो उनको विकार नहीं करता है। बहुत बारी ऐसा होता भी है कि इस एज पे जो बकरे हो जाते हैं अक्सर लूज मोशन इस वजह से भी करने लगते हैं कि जैसे आप गेहूं दे रहे हैं, चना दे रहे हैं, या मक्का दे रहे हैं, बाजरा दे रहे हैं, और ये इकट्ठा खा लिया इन्होंने, या ज़्यादा मात्रा इसकी अगर इन्होंने खा ली तो इसकी वजह से भी लूज मोशन की शिकायत आ जाती है। तो उसमें आपको कह सकते हैं इनके पेट को, इनके डाइजेशन ठीक करने के लिए जो मैंने आपको उपचार बताया था कि आप मेथी हो गया, अजवाइन हो गया, गुड़ बनाकर रखिए, है ना, और सुबह शाम इसके मिक्सचर को, है ना, बढ़िया बारीक मेथी का और अजवाइन का उसको बारीक बारीक कर लीजिए, गुड़ के साथ बराबर मिक्स करके इसको दीजिए, तो इसके अंदर जो भी ये दाने के रूप में ले रहे हैं जो अपच होने की शंका हमारे दिमाग में बनी हुई है वो नहीं होगी, और बराबर से इनकी ग्रोथ लगातार बनी रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है खस्सी करने का, क्योंकि इस एज में क्या होता है कि ये सही एज होती है कि हम इस एज में बकरों को खस्सी करें। जो भी कमर्शियल पर्पज से बकरी पालन करना चाहते हैं, जो ईद के लिए तैयारी कर रहे हैं, बकरीद के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इस एज पे ही बकरों को ज़्यादातर खस्सी किया जाता है। और इनकी जो डाइट है नॉर्मल बकरी और बकरों की तुलना पर आपको अलग रखनी होती है, क्योंकि खस्सी बकरे का जो नेचर होता है, खस्सी करने पर आपका क्या होता है कि इसका नेचर चेंज हो जाता है, जो भी चीज़ें ये खाता है वो इसको पूरे मतलब पूरे शरीर में इसका लगता है, और इसकी ग्रोथ जो होती है नॉर्मल अंडुल बकरे की तुलना पर बहुत बढ़िया देखी जाती है ना। और खस्सी करने के तरीके बता देता हूँ। खस्सी करने के तरीका ये होता है कि अगर आपके पास मान लीजिए पहला तो होता है हो जाता है पंच मशीन, परंतु दोस्तों मैं पंच मशीन आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अगर आपके पास आस क्षेत्र में कोई वेटनरी डॉक्टर
या कोई भी फील्ड ऑफिसर है, आप उनकी सलाह से, उनकी मदद से खस्सी करें और ओपन सर्जरी कराएं, जिससे जो खस्सी होते हैं वो पूर्णतः खस्सी होते हैं। नहीं तो कभी कभी क्या हो जाता है, अगर फेल हो गया तो बकरे फिर अपनी यूरिन लेना शुरू कर देते हैं, जो एक साइड इफ़ेक्ट कहलाता है। इनको बेचने के टाइम पर वो क्या हो जाता है, एक ड्रॉबैक है इसके लिए। तो मेरा ये सजेशन है कि आप ओपन सर्जरी करवाएं, है ना। खस्सी करने से जो इनकी ग्रोथ है वो नॉर्मल बकरों की तुलना पर बहुत बढ़िया देखने मिलेगी। अब देखिए क्या हो जाता है कि अब जब खस्सी किया आपने, तो इनकी जो लॉट है ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, अलग करके रखना पड़ेगा झुंड से। अगर आप मान के चलिए बच्चों का झुंड है, तो जो खस्सी बकरे हैं आपके उनको अलग रखिए, उनका डाइट जो है वो अलग दीजिए। अगर 200 ग्राम तक की मात्रा दे रहे हैं, तो आपको खस्सी बकरों को इससे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाकर देना पड़ेगा। तो ये कुछ विशेष तौर से आपको इन सारी चीज़ों का जो है ध्यान देना है। दाना दे रहे हैं तो अपच के लिए जो मैंने बताया वो ध्यान दीजिए। तो इस एज पे आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है और मेहनत करनी है, क्योंकि इसी एज से अगर हम अपने फार्म पर बकरों को या बकरियों के साथ मेहनत करते हैं, तो जब ये लॉट तैयार होगा और तैयार होके जब इसकी ग्रोथ है ना नॉर्मली खस्सी बकरे की 60 से 65 केजी की होगी, तो उसका जो मार्केट प्राइस होगा नॉर्मली 12 से 15 हज़ार रुपये मिलेगा। तो हमको रिटर्न मतलब अच्छा मिलेगा, रिकवरी वैल्यू हमारी अच्छी होगी, है ना, जिससे हमको प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो जो था वो 3 महीने से 6 महीने तक के बच्चों को हम कैसे संभालें, कैसे देखरेख करें, कैसे उनकी वैक्सीनेशंस करें, इसी के ऊपर था। तो ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आपके अगर कोई सजेशन हो या कोई भी सवाल हो मुझे कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।